और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित एक होटल में यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने एमएलसी चुनाव को लेकर मंडल भर के जनप्रतिनिधियों, पूर्व विधानसभा प्रत्याशियों, पूर्व सांसद प्रत्याशियों के साथ बैठक की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पागल है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को सामने आकर बयान देना चाहिए कि ये समाजवादी पार्टी का बयान है या उनके निजी विचार हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा देश विरोधी लोगों के साथ खड़ी रही है, चाहे वो अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के दौरान कार सेवकों पर गोली चलवाना हो या फिर हमारे धार्मिक मठ मंदिरों पर आतंकवादी हमले हो। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 5 सीटों का चुनाव, उसमें से 3 सीटें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की है, मुरादाबाद बरेली, अयोध्या फैजाबाद, गोरखपुर, कानपुर उन्नाव, और 2 सीटें शिक्षक की है, कानपुर उन्नाव और प्रयागराज और झांसी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 पर भारत अपने प्रत्याशी घोषित कर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नीचे करो यार। आज मुरादाबाद में बरेली स्नातक और मुरादाबाद स्नातक खंड के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी। हमने अपनी कार्य योजना बनाई